हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणियाँ, एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, और उसकी एक्सरसाइज 5.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके सामने है। 200 लकड़ी के जो लट्ठे हैं उनको ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे 20 लट्ठे रखे गए हैं, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, इस तरीके से ढेरी बनाई गई है। तो आपको बताना है कि जो 200 लकड़ी के लट्ठे हैं उसको रखने के लिए आपको कुल कितनी पंक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बार कि सबसे ऊपर जो पंक्ति बनाई गई होगी उसमें लकड़ी के जो लट्ठे हैं उनकी संख्या कितनी होगी। हमें ये दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी है। अच्छा, थोड़ा डायग्राम में इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें ये कहा है कि सबसे नीचे, ऑब्वियसली जब तुम लकड़ी के लट्ठों को किनारे से देखोगे तो आपको सिर्फ उसका जो सर्कुलर पार्ट है वही दिखाई देगा, उसकी लंबाई दिखाई नहीं देगी। तो डायग्राम भी आपको जो बुक में दे रखा है वो भी इसी तरीके से दे रखा है। सबसे नीचे जो है इस तरीके से कुल 20 जो है लकड़ी के लट्ठे रखे गए हैं, उसके ऊपर रखे गए हैं 19, ठीक है। यहाँ पर संख्या में आपको डायग्राम में 19 नहीं दिखाई देंगे, पर ऐसा मान के चलो बुक में तो आपको दिखाई देंगे। इसके ऊपर रखे गए हैं 18, इस तरीके से कुल रखे गए हैं 18, उसके ऊपर 17, उसके ऊपर 16, उसके ऊपर 15, इस तरीके से रखे गए हैं, और तब तक रखे जा रहे हैं जब तक कि 200 लकड़ी के जो लट्ठे हैं उनकी संख्या पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि कुल कितनी पंक्तियां यहां पर होंगी। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, तो इस तरीके से कौन सी पंक्ति में कुल लकड़ी के लट्ठे कंप्लीट हो जाएंगे रखने। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहली पंक्ति में कितने रखे गए हैं, 20, उसके ऊपर की पंक्ति में कितने रखे गए हैं, 19, उसके ऊपर की पंक्ति में 18, उसके ऊपर 17। ऐसे करते करते आपने कुल कितनी पंक्तियां बनाई हैं हमें नहीं पता, मान लेते हैं n पंक्तियां बनाई हमने, n, ठीक है। तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ऐसे n पंक्तियां, यहां के लिए n पद, ठीक है, एपी के लिए हम पद बोल देते हैं उसको। अगर मैं इन सबको जोड़ू तो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए किसके, 200 के, 200 के बराबर होगा। इस तरफ रख लेते हैं, ये हमारे पास इन सभी का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 200 को ऐसे ही रख देते हैं। अब ये जो हमारे पास बन रहा है ना, आपको पता है ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है ना, हाँ। तो हमें इन सब का जोड़ जो है वो हमें पता है 200 है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से इनका जोड़ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन पद के योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता कुल कितने पद हैं, हमने अपनी तरफ से मान लिया n पद हैं, तो हम कहेंगे कि जो 200 है वो एस एन के बराबर है, n पदों के योग के बराबर है। तो 200 बराबर, अब एस एन का फॉर्मूला वो रहा, वो लगाएंगे, और उस फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे तो a हमारे पास कितना रहेगा, 200। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हमारे पास a कितना है, 20 है, a हमारे पास कितना है, 20। और d हम हमेशा कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को अब अगर माइनस करें तो वो d निकल जाएगा, मतलब 19 माइनस 20 कितना आता है, माइनस 1। तो हमें ये दो चीज़ें पता हैं जो कि हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे वहाँ पर। तो एस एन हो जाएगा आपका n बाय टू टू ए, ए कितना है, 20, देन n माइनस 1 डी कितना है हमारे पास, माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको तो ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, n बाय टू को भी, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है आंसर, ये 40 आ रहा है, और माइनस 1 को n से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस n, माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे कितना आएगा, प्लस 1, ठीक हो गया। तो हम लिख रहे हैं 200 इक्वल टू n बाय टू 40 प्लस 1, ये हमारे पास कितना हो जाता है यहाँ पर, ये हो गया 41 और माइनस n। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को यहाँ 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा आंसर, ये देख लेते हैं यहाँ पर,
2 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, इसको मिटा देता हूं यहां पर क्योंकि फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो 2 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया यहां पर ये आ गया 400 इक्वल टू कितना बचा यहां पर n मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में हमारे पास बचा 41 माइनस n. 400 को फिर से ऐसे ही रखा, n को पहले 41 से मल्टीप्लाई करेंगे देन n से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो n को 41 से करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा 41n. फिर इस n को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है ये. अब इन दोनों टर्म्स को हम वहां शिफ्ट कर लेते हैं, इसको भी वहां लेके जाते हैं, इसको भी यहां, तो ये माइनस एन स्क्वायर है, जब इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 41n है, इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस 41n हो जाएगा. तो लिखता हूं क्या बनता है, देखें, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू जीरो. तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण कहते हैं, और द्विघात समीकरण जो बना है उसको हल करने के कई सारे हमारे पास तरीके हैं. एक हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको द्विघात सूत्र कहते हैं, एक हमारे पास है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको मध्य पद विभाजन सूत्र कहते हैं, और एक और मेथड है जो नया न्यूली इन्वेंट हुआ है जो है पोहशेन लो मेथड, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरे एक वीडियो में मैंने पोहशेन लो मेथड को पूरी तरह से समझाया आपको, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऊपर आई है, आई पर क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा. तो इस तरीके से इन तीनों में से किसी भी मेथड से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बताऊंगा, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधराचार्यज फॉर्मूला भी कहते हैं वो समझा चुका हूँ. तो आप ये समझ लो पहले कि एक जो द्विघात समीकरण होता है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं वो इस रूप में होता है. वहां पर जो हम वेरिएबल चर यूज कर रहे थे वो था x, अभी के लिए हम यहां पर n ले रहे हैं क्योंकि वो n के रूप में है. तो अगर इसको उससे कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि जो a है वो n है, b किसका गुणांक है यहां पर n का, और वहां पर n का गुणांक क्या है माइनस 41, तो हम लिखेंगे यहां पर माइनस 41, और c किसके बराबर होगा कंपेयर करोगे तो 400. एन स्क्वायर के साथ यहां ए है और यहां एन स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो मतलब वन है, तो इसीलिए मैंने ए को वन के बराबर रखा है. तो हम यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सीख रहे हैं और ऑलरेडी भी सीख चुके हैं हम, तो कैसे हम उसको समझेंगे. सबसे पहले हम निकालते हैं विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, बी की वैल्यू रखते हैं ये जो कि कितनी है यहां पर माइनस 41, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेते हैं, ये है माइनस, ए कितना है 1, सी कितना है 400. 41 का स्क्वायर होता है 1681, और 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1600, दोनों को माइनस करें तो कितना आ गया 81. तो 81 आ गया. डी निकालने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो निकालना होता है हमें, वो होता है एन. अब n हम कैसे निकालेंगे, n निकालने के लिए क्योंकि हमने यहां पर विविक्तकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिए ना, तो इसके बाद हम n निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a. b हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास है माइनस 41, यहां लिख चुका हूं मैं पहले, प्लस माइनस हमारे पास d कितना है 81, और 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारे पास 1. ठीक है, ये माइनस माइनस यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ बचेगा 41, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास, वो होता है 9, और नीचे हमारे पास कितना है 2. तो हमारे पास यहां तक ये आ चुका है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एन को निकालेंगे. फाइनली प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस के लिए सॉल्व करो, एक बार माइनस के लिए, तो उसको करते हैं हम सॉल्व. तो n इक्वल टू एक में ले लेता हूं 41 प्लस 9 ओवर 2, और एक ले लेता हूं मैं 41 माइनस 9 ओवर 2, मतलब एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर ले रहा हूं, एक बार माइनस के लिए.
तो n इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 50, नीचे 2 है हमारे पास। यहां पर क्या आना है, 41 में से 9 माइनस करें तो शायद ये आ रहा है आपका 32, और नीचे हमारे पास कितना है 2। ठीक है, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर 25, 32 को 2 से डिवाइड करने वाले हैं तो कितना आ रहा है 16। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हमारे पास n की यहां दो वैल्यूज हैं, तो कौन सी वैल्यू यहां पर सही है। आप एक चीज समझ लो, जब आपने लकड़ी के जो लठे रखे थे उनकी जब आपने पंक्तियां बनाई थी तो खुद सोचिए, सबसे नीचे 20 थे, ठीक है। अगर हमें पता भी नहीं कि कौन सी पंक्ति में जाकर खत्म होगी और रखते चले जाएं तो कहां तक पहुंचेंगे, एक तक ना, 20, 19, 18, 17, ऐसे करते करते हम एक तक पहुंचेंगे। एक के ऊपर तो लकड़ी के लट्ठे रखे नहीं जाएंगे। इसका मतलब है हमारे पास जो पंक्तियां हैं वो 20 से ज्यादा तो बन नहीं सकती है। लेकिन यहां पर हमारे पास एक जगह पंक्ति कितनी आ रही है, 25, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर पॉसिबल है, वो है 16। इसका मतलब n इक्वल टू 16 इज अ आंसर। इसका मतलब कुल 16 पंक्तियां ही यहां पर बनेंगी। अच्छा, एक तो यही पूछा गया था कुल कितनी पंक्तियां रखे गए हैं, और एक ये पूछा गया है कि जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगी उसमें लकड़ी के कुल कितने लट्ठे हैं। सबसे जो ऊपरी पंक्ति होगी वो होगी 16वीं पंक्ति, n 16 निकाला हमने, 16वीं पंक्ति होगी। तो 16वीं पंक्ति को हम लिखेंगे A16, 16वीं पंक्ति या 16वां पद बोलो, A16, जिसका फॉर्मूला होगा A प्लस 16 माइनस 1 डी। तो A हमारे पास कितना है 20, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, और D हमने कितना निकाला है माइनस 1। तो ये है 15 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस 15, इन दोनों को माइनस करेंगे यहां पर हमारे पास आंसर आएगा 5। इसका मतलब है 16वीं पंक्ति में कुल 5 लकड़ी के लट्ठे रखे गए हैं। तो हमने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये 19th क्वेश्चन यहां पर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको जरूरत है इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करें। Thank you so much.